गुड इवनिंग व्यूअर्स, आई एम भरत दवे। मैं आपसे बात करूंगा ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कंडीशन है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत है। जैसे पहले बताया हमारे डॉक्टर साहब ने, इसमें दर्द रहता है, शरीर एकदम अकड़ जाता है, तो दर्द के लिए अलग अलग सी दवाई होती है, लेकिन हम दर्द की दवाई काफी प्रिफर करते हैं। दूसरी है जो रीढ़ की हड्डी चिपक जाती है, तो उसको हम शायद थोड़ा बहुत प्रयत्न करें तो उसकी मोबिलिटी रहेगी अच्छी, लेकिन इसके साथ साथ में हमें ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत इसलिए है कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो काफी हद तक उसका जो एक्सपांशन होता है, जो बड़ा होता है, वो कम हो जाता है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो लंग एक्सपांड होते हैं, तो वो कम हो जाता है। और जैसे बताया कि एकदम स्टिफ हो जाती है बैक, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, तो वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारा ये जो एम है ट्रीटमेंट का, तो क्या होता है ट्रीटमेंट का एम, तो लंग की कैपेसिटी अच्छी रखे, मसल्स को वीकनेस ना आने दे, और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ना हो, वो हमारा एम होता है ट्रीटमेंट में। हम तीन तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में, ज्यादातर उसमें दवाई आती है, और बाद में हम बताते हैं सबको कसरत करने के लिए, और जब इसका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, जब फ्रैक्चर होता है, तो उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है रवि, डॉक्टर रवि, वो बताएंगे आपको। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग पहले तो दवाई देते हैं जिसको कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स दर्द के लिए पैदा होते हैं, जो पूरे रात को हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, तो वो केमिकल्स वहां पे जमा हो जाते हैं, और उसकी वजह से मॉर्निंग में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो वो जो केमिकल्स हैं वो कम करने के लिए दवाई देते हैं, ताकि मॉर्निंग हमारी इतनी खराब ना हो, वो केमिकल्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हम उसमें स्टीरोयड्स नहीं देते हैं, कहीं कोई बार ही स्टीरोयड की जरूरत पड़ती है, तो वो जो दवाई देते हैं वो रेगुलर लेना पड़ता है। दूसरी दवाई होती है सल्फासेलेजिन, तीसरी दवाई होती है जो रोग को अंदर से मिटा देती है, और उसको कहते हैं डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। सो पहले बात करें दर्द की दवाई को, तो दर्द की दवाई जब हम देते हैं तो उसके लिए मेनली टू साइड इफेक्ट्स होती है, एसिडिटी होती है, और उसको किडनी से बाहर निकल के, तो उसके लिए किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि कई सेफ मेडिसिन हैं, वो रेगुलर लेते रहो, और वो रेगुलर मेडिसिन लेने से शरीर कम अकड़ेगा, और आपकी पेन है वो कंट्रोल में रहेगा, और आप एक्टिविटी अच्छे से कर सकोगे। ये दवाई से रोग मिटता नहीं है, लेकिन दवाई से पक्का हमें दिन में एक्टिविटी करने का कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। दूसरी दवाई है सल्फासेलेजिन करके दवाई है, मेथोट्रेक्सिन दवाई है, वो सब दवाई डिसीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करती है, डिसीज को आगे जाने में रोकती है। तो वो दवाई हम लोग बता दें 2 साल 3 साल जो हमें सूट होती है, पेशेंट को सूट होती है, वो दवाई हम लोग बोलते हैं कि वो रेगुलर लेते रहे, और वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कभी दवाई बंद नहीं करना हमें पूछे बिना, और हम लोग वो दवाई की साइड इफेक्ट्स लीवर पे होती है, तो वो इसके बारे में हम लोग बारी बारी जांच करवाते भी रहते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद हम बताते हैं कि ये रिपोर्ट करवा के हमें मिलना है। दूसरी दवाई है जो रोग को अंदर से निकाल देती है, रोग को अंदर से आगे नहीं जाने देती है, इसको कहते हैं टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर, इन्फ्लुमिबैक्स। सो वो जो दवाई गोली है, वो जो इंजेक्शन है, वो थोड़ा बहुत महंगे होते हैं, वो 1 दिन 15 दिन और 45 डेज में देते हैं हम 3 डोज, और उसको वेट के हिसाब से हमें टाइटर करना होता है। एक बार हम वो इंजेक्शन देते हैं, फिर साल में कई बार एक बार रिपीट करना होता है। दूसरा भी एक इंजेक्शन है सेक्लोनेमाइड, वो इंजेक्शन भी ऐसा है कि हम लोग महीने महीने में एक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन ये सब दवाई है वो महंगी है, और ये दवाई की जो इफेक्ट होती है वो पूरे शरीर की बॉडी की सिस्टम को बहुत अच्छे से दबा देती है। जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को ही, ये ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, अपने आप को ही मारते हैं, तो ये दवाई वो जो इफेक्ट होती है उसको कम कर देते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन लगने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसलिए ये दवाई देने से पहले हम इन्फेक्शन शरीर में है कि नहीं वो भी जांच करते हैं, और फिर पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये दवाई से ये इफेक्ट होती है, इन्फेक्शन आपको लगने की संभावना होती है, इसलिए आप तकेदारी रखना है और आपको हमें रेगुलर बताते रहना है। लेकिन ये दवाई जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी बहुत महंगी भी है। अब आई बात फिजियोथेरापी की, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम शरीर को अच्छे से मोड़ के रखे, अच्छे से थोड़ा बहुत मोटिवेट करके रखे। ये देखो आप जो ड्राई था बांस, वो
मोल्ड करके कैसे अच्छे से उसका सोफा बनाया गया है। वैसे ग्रीन होता है जो अपने आप लचक जाता है, वो मांस को तो हम बेंड कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी स्पाइन वो ड्राई बाम्बू की तरह हो जाती है, इसीलिए हम कई बार इसको बाम्बू स्पाइन भी कहते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारी जो फिजियोथेरापी की वजह से जो करते हैं हम लोग, तो उसमें मूवमेंट अच्छे से रहनी चाहिए, हमारी लंग की कैपेसिटी अच्छे से रहनी चाहिए। हमारे ये रोग के साथ हम बताते हैं सब पेशेंट को, दोस्ती कर दो, क्योंकि ये रोग जाता नहीं है, ये रोग के साथ हमें जीना सीखना है। और ये दोनों जो हम अच्छे से रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो हमारी ये दो रोग के साथ दोस्ती रहती रहेगी। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई ये मगर के साथ दोस्ती करने जैसा है, हमें पानी में ही जीना है, तो पानी में कैसे जीना है, तो मगर के साथ दोस्ती कर लो तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उस तरीके से हम लोग पेशेंट को अच्छे से मोटिवेट करते हैं और शरीर जो बैंड होता है वो नहीं होने का ये हम बताते हैं कि इस तरीके से कसरत करते रहोगे तो बैंड नहीं होगा और पेन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज डेली एक्टिविटी का गाइडेंस हम पेशेंट को सब अच्छे से बताते हैं कि ये सब आपको करना है। इसके क्या क्या नियम होते हैं, तो पहले तो बता दें कि भैया दिन में कम से कम रेगुलर एक्सरसाइज करो। बाद में क्या कहते हैं कि भाई कोई कसरत से दर्द बढ़ जाता है तो वो हमारा एकदम रूल रहता है कि अगर दर्द बढ़ गया तो वो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, वो पक्का सा जानना चाहिए। और बाद में क्या करते हैं कि सुबह में जब उठो तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करके ही खड़े हो। और हम बता दें कि रोटेशन मत करो, शरीर में रोटेशन करोगे तो तकलीफ बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे तो कंट्रोल रहेगा और कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी एक्टिविटी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे बताया इस तरीके से करवाते हैं, बताते हैं पेशेंट को, ये सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे पहला स्टेप यही एक्सरसाइज का होता है। दूसरे जॉइंट जो होते हैं, पहले स्पाइन में इफेक्ट आती है, बाद में बड़े जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर, इसमें भी इफेक्ट आने की संभावना होती है। इसके लिए हम लोग बता दें कि अगर स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी में क्या कसरत, क्या साइकिलिंग, तो वो अच्छे से करो तो प्रॉब्लम कम रहेगा और वो चिपक नहीं जाएगा। जैसे ये बताया कि हम जब सांस लेते हैं तो जैसे ये बकेट या फिर पंप हैंडल की तरह पूरी की पूरी पसली ऊपर नीचे होती है, पूरा का पूरा हमारा बीच का जो हड्डी है, स्टर्लम कहते हैं जिसको, वो भी ऊपर नीचे होता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है। और वो कम ना हो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर मस्ट, वो करना ही है हमें, क्योंकि उसकी वजह से हमारी लंग की कैपेसिटी अच्छी रहेगी और लंग में इंफेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो हम बता दें कि ये रोग के साथ दोस्ती कैसे करोगे, हमारा नेक की मूवमेंट चिपक गई तो हम लोग बता दें कि जेब में स्ट्रॉ रखो, ताकि अगर पानी पीना है तो पूरा का पूरा पानी नहीं पी सकोगे, आधा ग्लास ही पी सकोगे, क्योंकि पूरी नेक की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम स्ट्रॉ रखेंगे तो प्रॉब्लम कम रहेगा। बाद में अगर हमारी स्विच बोर्ड ऐसी जगह पे है, काफी नीचे है या फिर काफी ऊपर है, तो अगर हम हमारे रीच में नहीं, हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसी तरह हमारी चेयर भी ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों का बैठ के कुछ काम करने का है बिजनेस, तो उसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और आगे झुक के जो कुछ काम करते हैं उसमें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और खास तरीके से हम जब पेशेंट को देखते हैं तो पूरा का पूरा शरीर कई बार टेढ़ा हुआ होता है, तो उनका जो सर है वो कभी पिलो पे नहीं जाएगा, तो हम बता दें कि दो पिलो लो, अपनी बिस्तर, अपनी बेड इस तरीके से बनाओ ताकि आपका शरीर उसमें अकोमोडेट हो जाए। अगर हिप जॉइंट अफेक्टेड है तो घुटनों के नीचे पिलो रखो, इस तरीके से अगर करोगे तो स्ट्रेचिंग या फिर जो कुछ प्रॉब्लम सुबह में होता है वो कम हो जाएगा। जो पोस्चर हम बताते हैं सब पेशेंट को, जब आगे झुक जाता है शरीर तो एटलीस्ट दीवार के चिपक के खड़े रहने का एक दो बार प्रयत्न करो तो प्रॉब्लम कम रहेगा। सो इन समरी, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारे सब पेशेंट्स को बताते हैं कि 20 मिनट प्राणायाम करो, 20 मिनट चलो, 20 मिनट फास्ट वॉक करो। स्मोकिंग करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इसमें लंग का अफेक्शन काफी होता है, और कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल या ड्रग्स की हैबिट हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल लोगे तो रात को दर्द नहीं होगा, सुबह में उठोगे तो थोड़ा बहुत हैंगओवर रहेगा लेकिन वो दर्द नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल की हैबिट कई पेशेंट को हो जाती है। जहां जहां पे भी अल्कोहल लेते हैं तो सबको हम लोग पहले से मना करते हैं कि ऐसा मत करो। दवाई का कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं, दवाई दर्द के साथ में दूसरी दवाई भी साथ में देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबको बताते हैं कि रेगुलर फॉलोअप करो, रेगुलर बताते रहो, 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक बार बताते रहो, ताकि हमें पता चले कि आगे क्या हो रहा है, या फिर पहली दवाई से बंद करके दूसरी दवाई शुरू करना जरूरी है कि नहीं है। और जब भी फ्रैक्चर होता है या फिर डिफॉर्मिटी हो रही है, जैसे टेढ़ी हो जाती है हड्डी,
तो उसके लिए हम लोग सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, तो वो हमारे डॉक्टर रवि भाई आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।